चलिए माता, बहुत ही टेस्टी नारियल की चटनी। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ताज़ा नारियल। इसे हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। नारियल को डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से अदरक के टुकड़े डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे भुना हुआ चना, इसके जगह पर आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, 1 चम्मच दही डाल देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे। ढक्कन लगा के इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेंगे। देख सकते हैं चटनी को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस पे हम लगा देंगे अब तड़का, राई और मिर्च का तड़का हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इसे डाल देंगे इसके ऊपर। नारियल की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।